अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। वेलकम है एक और नए वीडियो में। तो आज जुम्मा है, आप सबको जुम्मा मुबारक। आज जुम्मा की नमाज़ पढ़ के अभी मैं ना ये लाइट लेकर के डालने को नहीं हो रहा मेरे को, बता भाई। और वो भी लोग इतने वो है कि बोल बोल के थक गया हूँ, लाइट ले ही नहीं आ रही। मैं ही जाके लेके आता हूँ, देखता हूँ शाम के टाइम पे। और अम्मा के घर से जल्दी आऊँगा तो लेके आऊँगा। आज जुम्मा है तो अम्मा के घर जाएगी, वहाँ पे पता नहीं देखेंगे कहाँ कहाँ पे जाना पड़ता है। आज आज के वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए हमारा वीडियो। जो भी है कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और शुरू करेंगे आज का वीडियो। चलो, दोपहर का 1:14 हो रहा है टाइम और गर्मी देखो 45 डिग्री है भाई। 45 डिग्री घर में, गर्मी बाहर। सोचो अगर कुछ बाहर, अगर 1 मिनट के लिए भी अगर बंदा रुक गया ना भाई एसी के बगैर, खत्म कहानी खत्म। तो अभी मैं छोड़ के जा रहा हूँ, रैयान जा रहा हूँ कपड़ा ले, कपड़ा दे के मैं उसको इधर ही अजीजिया में छोड़ दिया बंगाली भाई के घर पर। और अभी मैं जा रहा हूँ घर, पहला कपड़ा दूंगा रैयान में जाके, रैयान में कपड़ा दे के फिर जाऊंगा घर। बोलते हैं 5 बजे आने का है, 5 बजे आने का मतलब अभी खाना वाना खा के भाई तुम्हारा सो जाएगा, ठीक है। गर्मी में क्या करे बताओ, गर्मी में करे तो करे क्या बंदा। मैसेज कर रहे हैं कि भाई पबजी, मैं ना पबजी लाइव आ रहा हूँ अभी, पबजी ठीक है, रात में पबजी लाइव आने वाला हूँ। पबजी खेल, पबजी तो अभी सीख रहा हूँ मैं। और भाई सऊदी अरब, एक बंदा है सऊदी अरब में आ गया है, रियाद में, इंडिया में था, बोलता है तुम्हारे बिना अधूरा लग रहा है रियाद। अरे भाई मेरा थोड़ी है वो, जो भी है इंजॉय करो, मजे करो आप भी। और हम कतर में मजे कर रहे हैं, आप सऊदी में मजे करो। और अभी देखना है खाने के लिए क्या है। माशाल्लाह मस्जिद है, बहुत खूबसूरत है, मस्जिद दिखाता हूँ। ये देखो भाई मस्जिद कितनी प्यारी लग रही है भाई। अभी मुझे यहाँ से किधर जाना है, सीधा जाना है क्या, सीधा जाऊँगा पता नहीं किधर जाना है यार, रैयान। हाँ सॉरी सॉरी, लेफ्ट राइट जाना है मुझे, फालतू में सिग्नल में रुक गया था मैं। देखो भाई रैयान के मोहल्ले, देखो भाई रैयान है, पूरा रैयान है। इतनी गाड़ियाँ रुकी है ना भाई, आपको सिर्फ गाड़ियां ही दिखेंगी, सब शाम के टाइम पे कोई नहीं दिखेगा। शाम के टाइम पे आपको इधर कोई भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये लोग ना अपने अपने काम पे चले जाते हैं। कोई कोई पार्टी बनाने में, अभी वीकेंड चल रहा है ना, जुम्मा है, तो कोई कोई पार्टी बनाने जाता है, कोई घूमने जाता है, कोई मॉल में जाता है, कोई समंदर में जाता है। क्योंकि अब तो समंदर में भाई मज़ा आएगा, बता रहा हूँ मैं, नहाने के लिए। अभी ये जो नया मॉडल छोड़ा है लेक्सस 2023 का नया मॉडल छोड़ा है भाई, माशाल्लाह जबरदस्त है गाड़ी वो लेक्सस। कल मैं ना लेक्सस लेके गया था धुलाने के लिए, और आज मुझे गाड़ी धोने का टेंशन जो है वो छूट गया, टेंशन नहीं था मेरे। मैं दोबारा फिर से उधर ही आ गया वो मस्जिद के पास। देखो क्यों पता है, मेरे को ना इधर ही जाना था, ये सिग्नल से मैं ना राइट मार दिया, गलत रास्ता मार दिया, फिर दोबारा घूम के आ गया मैं। मेरे को सीधा जाना है, सीधा जाऊंगा तो इधर ही है वो लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में कपड़े दे के और जाऊंगा। मेरा कान बहुत दर्द हो रहा है, क्या हुआ। वोडाफोन, वोडाफोन का प्रचार हो रहा है यहाँ पे। वोडाफोन है भाई, लेकिन इंडिया का वोडाफोन नहीं है, यहाँ का वोडाफोन अलग है। ये नहीं फिर कमेंट कर देंगे फिर भाई, अब तो वहाँ तो वोडाफोन चलता है, लेकिन यहाँ पे भी वोडाफोन, सिम का नाम वोडाफोन है। इंडिया में भी वोडाफोन है, एयरटेल है, लेकिन आपको इंडिया का सिम लेके आके यहाँ पे इंटरनेशनल रिचार्ज करके आराम से कॉल कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल रिचार्ज 24 घंटे का 600 रुपये कुछ है, ऐसा कुछ है। मैं 2-3 बार कॉल कर चुका हूँ, लेकिन रिचार्ज जो है बहुत महंगा है इंटरनेशनल, थोड़ा देख के करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट का वो सब लिंक है, तो आपको मैसेज चाहिए, ओटीपी चाहिए, तो फिर आप आपको जरूरी है रिचार्ज। मैं ना हर महीने 100-100 रुपये रिचार्ज करके सिम चालू रखता हूँ, हाँ ऐसा कर करके। तो अभी रैयान आ गया, रैयान उस साइड में भी रैयान, ये भी रैयान ही है, रैयान बहुत बड़ा है ये। आज क्या करना है, बस खाना है, सोना है, 5 बजे आना है, देखेंगे। क्योंकि मैं सुबह भी ना सोया नहीं हूँ, जुम्मा सुबह बहुत कम रहता भाई, दोनों गाड़ी साफ करना है, बाहर पानी मारना है, बहुत मुश्किल है भाई, साफ इतना आसान नहीं है भाई। जिंदगी लाइफ बोलती हो ना, सो के पैसा कमा रहा है, आराम खाना खा रहा है भाई, आ जाओ देखो 45-46 डिग्री, पता नहीं अभी तो शुरुआत है जून, जून कितने तारीख है, 8 तारीख है ना, 8 है, 8-9 तारीख है, पता नहीं कितनी तारीख है। और सिग्नल फिर एक आ गया, सिग्नल में ना रुकना बहुत मुश्किल है भाई, गाड़ी चलते रहेगी ना तो मज़ा आता है, फिर स्पीड में ब्रेक लगाओ फिर रुको, यही दिक्कत है। सिग्नल बहुत आते हैं यहाँ पे,
सिग्नल में ना इतने कैमरे रहते हैं, कैमरे हर चीज को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप रियल आपको ड्राइवर बनना है ना भाई, वो है कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में आओ, जो जहाँ पे कड़क कानून है वहां पे आपको पता चलता है कि रियल ड्राइवर किसको कहते हैं बनना, एक्चुअली में बनना भाई। इधर बोलते हैं आप छोटी गाड़ी चलाओ, बड़ी गाड़ी चलाओ, जो भी चलाओ, जो भी कैसे हो आप, सेम सबको सेम गज मारेगा यहाँ पे, अड़वा से ठोक देते। चलो अभी चलता हूँ रैया में। ओ वहाँ पे सिग्नल खुल गया भाई, मेरे को स्पीड ज़्यादा भी नहीं जाना भाई साहब, कैमरा बहुत बड़ा लगा हुआ है यहाँ पे, दिखाता हूँ कैमरा। ये देखो ये जो खड़ा है ना, ये जो खंभा खड़ा है ना, देखो उसको मार दिया अभी वो लेक्सस वाले को, सिग्नल तोड़ दिया उसने। अभी उसको आएगा 3000 रियाल, 3000 रियाल आता है, पता नहीं 6000 रियाल आता है। ये लॉन्ड्री वाले भी पर्दे लगा के काम कर रहे हैं धूप में, धूप आ रही बोल के। एसी तो है ही, लेकिन धूप जो है सूरज ऐसे मार रहा हूँ उनको। मैं ना लॉन्ड्री में गलत टाइम पे आ गया, वो बोल रहे हैं कि 3:30 बजे ओपन करते अभी, तो खैर छोड़ो, अभी मेरे को 4:30 बजे नहीं 4:30 बजे निकलूंगा, तो यहाँ पे दे के चले जाऊंगा मैं। हाँ सही है, क्योंकि उसने भी बोले थे मेरे को 4:30 बजे जाके लॉन्ड्री में दे के इधर आने का, तो खैर देखेंगे जो भी है, क्या होता है जो भी होता है आपको रफ्ता दिखाते रहेंगे, और मिलता हूँ बाद में रूम पे चल के, देखेंगे खाना क्या है दोपहर में। तो गाइस आ गया रूम पे मैं, और खाना भी लेके आया, पता नहीं खाना क्या आया है, इतना ज़्यादा पैक करके दिए, और कल दोपहर में आई थी बिरयानी, और मालूम नहीं आज क्या आया है। ओ वाइट दाल, पता है क्या आया है, ये देखो चावल चिकन और दाल, बताओ भाई। और खाऊंगा उसके बाद में आपको, सो के उठने आराम करने के बाद मिलता हूँ शाम में। ये है कतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी लेक्सस लेके आया था कफील को छोड़ने के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम, वीडियो का दूसरा दिन, कैसे हो आप लोग? कल जुम्मा था, कल वीडियो जो है पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो फिर मुझे आज सैटरडे कंप्लीट करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे देखो लैंडिंग हो रही है, जूम ही नहीं होता यार, ये पता नहीं कैमरा क्या हुआ, हैंग हो गया, स्ट्रक हो गया, ये देखो अब जूम हो रहा है। ओ कतर एयरलाइंस लैंडिंग हो गई भाई, माशाल्लाह दुनिया की नंबर वन फ्लाइट है कतर एयरलाइंस। ये देखो कितनी, अबे यार हट ना भाई, कितनी फ्लाइट है भाई, बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ। नीचे है इधर पार्किंग, यहाँ पे पार्किंग में पैसा लगता है आपको, जल्दी आओगे तो यहाँ पे वेटिंग करना पड़ेगा, आधा घंटा एक घंटा तक फ्री है शायद, मुझे लगता है आधा घंटा तक फ्री है, उसके बाद में आपको पैसा भरना पड़ेगा। आधा घंटा रुको, फिर गाड़ी निकालो, फिर राउंड मारो, फिर जाके लगाओ, तब सही है। सीट मैं पहला सीट बेल्ट लगा लेता हूँ भाई। वेलकम टू दोहा बोल के लिख के हैं, वो जो बिल्डिंग है ना वो समंदर के बीच में भाई, वो वाली, वो भी बड़ी खूबसूरत है, वहाँ पे एक लैंडिंग हो रही है अभी। ये है कतर एयरपोर्ट का रोड, और यहाँ पे देखो करीना का फोटो लगाया है लोग, शायद ज्वेलरी का प्रमोट हो गया है। ये देखो भाई यहाँ से भी लैंडिंग होती है, अब वो सीधा जाके वहाँ पे लैंडिंग होती है। पूरा इधर बाजू पूरा समंदर है, ये रोड के उस पार पूरा समंदर है, ऐसा लगता है पूरा पानी के अंदर उतर रही है फ्लाइट, लेकिन यहाँ पे लैंडिंग होता है ये वाली। हमारे यहाँ पे ना ये सब देखने को कम मिलता है, क्यों पता है? इतनी सिक्योरिटी लगी रहती है, और उसके बाद में बड़े बड़े हाइट हाइट कंपाउंड्स बंधे होते हैं कि कोई बंदा जा ना सके, इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे घुस जाते हैं टिकटॉकर इंस्टाग्राम रील्स बनाने वाले सब लोग घुस जाते हैं अंदर, किसी का भी देखते नहीं, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे ना बहुत थोड़ा स्ट्रिक्ट ज़्यादा रहता है। यहाँ पे इग्नोर करते हैं लोग, यहाँ पे यार इनको ना एक नमूना वो टैक्सी हो चुका है फ्लाइट, तो इसीलिए यहाँ पे वो ज़्यादा ये नहीं करते। ये थोड़ी देर तक 80 का रोड है, यहाँ पे आपको ध्यान से चलाना होगा भाई, इतनी ज़्यादा कैमरे हैं यहाँ पे। अच्छा टाइम बताना भूल गया मैं, कितने बजे? 4:30 बजे मेरे को उठने के लिए बोला था इसने कल रात में, वो भी 12 बजे फ़ोन करके, अभी देखो 5:30 हो रहा है टाइम, और जो है मैं ये आया था 5 बजे, आधे घंटे का रास्ता है छोड़ के जा रहा हूँ। और देखो भाई एयरपोर्ट रोड, जब भी एयरपोर्ट आता हूँ गाँव की याद आती है। ओ भाई वन टाइम इंशाल्लाह उड़ेंगे। चलो भाई यहाँ से ये ब्रिज जैसे उतरते आपको 120 का रोड मिलता भाई, डायरेक्ट 120 का,
उसके बाद में थोड़ी देर 10 किलोमीटर या तो 12 किलोमीटर आपको 120 करोड़ है, उसके बाद में फिर 100 करोड़ है। ये शायद आर्मी आर्मी वालों का होगा, ये देखो आर्मी वालों का, ये आर्मी कैंप है, ये पूरी आर्मी के फ्लाइट रुके हुए हैं यहाँ पे, फायर जेट। जैसे ये देखो कैसी चौंक चुका की है, जैसे युद्ध का ऐलान होता है भर 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 उड़ा देते हो लोग। जा भाई वहाँ पे कैमरा है, जा तेरे को स्पीड जाना है, जा वो देखो वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। स्पीड कैमरे बताता हूँ आपको कैसे रहते हैं, एक मिनट, ये जो काला खंभा है ना, ये देखो ये है स्पीड कैमरा, बच के रहना भाई इसको। अब यहाँ सॉरी यहाँ से 100 करोड़ है, ये देखो यहाँ से 100 करोड़ है, अभी अपन जाएंगे यहाँ से 100 की स्पीड में। चलो मैं मिलता हूँ आपको बाद में। मेरा कैमरा पता नहीं क्या हुआ है, उधर बहुत धुआं उठ रहा है और ऐसी गर्मी में होता ही भाई, देखो 45 का है टेम्परेचर, ठीक है, और वहाँ पे आग बुझाई जा रही है, पता नहीं क्या हो के आग लगी है। मैं जा रहा हूँ दारुसलाम मॉल में 40 नंबर एग्जिट में, अबू अमूर में। मेरा कैमरा जो है ना 2-3 बार बंद हुआ है लगातार, फिर उसका डाटा क्लियर किया, अभी अच्छा चल रहा है। यार मेरे को ना पहला मोबाइल लेना चाहिए भाई, मोबाइल लेना है मेरे को पहला। तो गाइस शाम के 6 बज रहे हैं टाइम, और मैं आया हूँ पता नहीं कौन सा एरिया है, लेकिन सामने जो व्यू है वो है बड़ा खतरनाक, बड़ा प्यारा है। यहाँ पे एक गार्डन है, यहाँ पूरा फुटबॉल खेलने के लिए आए हैं बच्चे लोग आए हैं, यहाँ कुछ उनका खाने का सामान था वो देने के लिए आया था मैं, और दे के वापस जा रहा हूँ घर। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, देखो 6 बज रहा है टाइम। मेरा ना बैक कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, फ्रंट ओपन हो रहा है, और यार कितना सुंदर है यार गार्डन यहाँ का, फुटबॉल खेलने के लिए ना ऐसे ऐसे पार्क बनाए हैं लोग, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और सामने देखो ये व्यू है, मैं लुसेल सिटी में हूँ, ये दिख रहा है पूरा व्यू, लुसेल सिटी है ये पूरा, इसके बिल्कुल अपोजिट में ये लोग पूरा गार्डन्स बनाए हुए। मुझे नहीं पता दिख रहा या नहीं दिख रहा, एडिट करने के टाइम पे पता चलेगा कि क्या हालत है। बोलिए एक मिनट मैं कोशिश करता हूँ, यार ये पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो रहा है कैमरा। हाँ तो गाइस कैसा कैसा की करके ना पीछे बैठ के गाड़ी थोड़ा देर रुका के कैमरे को सही किया, सेटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो अभी सही दिख रहा है। अभी जो वो जो बिल्डिंग जो है ना भाई, दूर से ना सेम दिखते हैं ये, छोटे बड़े है, दो बिल्डिंग छोटे हैं, दो बिल्डिंग बड़े हैं। ये देखो ये पूरा लुसेल सिटी है। अभी यहाँ से मेरे को बोला है कि घर वापस आ जा, इसके बिल्कुल पीछे मैं छोड़ दिया हूँ पूरे। आज जो मौसम है ना भाई 40 डिग्री का है, लेकिन टेम्परेचर है शाम के 6 बज रहा टाइम 40 डिग्री का है, लेकिन फिर भी मौसम इतना कूल लग रहा है। हमारे यहाँ पे 35 में ही फट जाती, बता रहा हूँ मैं, 40 में भी यहाँ कूल लग रहा है शाम के टाइम को आज का, लेकिन फिर कल का पता नहीं मुझे। तो अभी यहाँ से घर चलेंगे, और घर आ जा वापस, तो वापस घर जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो भाई क्या प्यारा व्यू आ रहा भाई शाम के टाइम पे, वाओ। ये जो है ना इसमें है ना सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटो लगते रात में, जो भी जीता है जो भी मतलब स्पोर्ट्समैन उसके फ़ोटो इसमें लगते हैं। जैसे बुर्ज खलीफा में जैसे वो आती है ना तस्वीरें, जैसे शाहरुख खान का बर्थडे हो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का लगाते, उसी तरह इसमें लगाते हैं टावर में रात के टाइम पे। तो चलेंगे अभी यहाँ से घर। ये लुसेल ये रोड है, लुसेल पूरा लुसेल रोड है ये। यहाँ पे देखो कतर यूनिवर्सिटी बोल के बोर्ड पे लिख के है, हाँ कतर यूनिवर्सिटी बोल के। तो चलेंगे पब्लिक रेस्टोरेंट एक्सप्रेसवे। अच्छा और एक चीज़, जो ये ब्रिज जो है ना, ये ब्रिज जो है पूरा तारों के ऊपर रुका है भाई, वो जो उसके बीच में तार है, वो तारों के बीच में उसके सपोर्ट में रुका हुआ है, पूरा कंक्रीट से बनाया हुआ है वो देखो उसमें आपको दिख रहे हैं ना बारीक बारीक तार, जैसे नेट होता है वॉलीबॉल खेलने का उस तरीके का, वो पूरा उस वो सपोर्ट देता है उसको, वो पूरा वो है वो रोप होती नहीं लोहे की तार, वो है वो। वाह क्या गाड़ियाँ, यहाँ पे आओ तो भाई पूरे VIP गाड़ियाँ देखने को मिलती है। ये वाली ट्रक नहीं है, ट्रक छोड़ के हर जगह में VIP गाड़ियाँ देखने को मिलती है, लेकिन एक ट्रक ही ऐसी है जिसको हमको इग्नोर करना है। ऑयल लेके जा रही है। ये होटल देखो भाई कैसा है, देखो एक नंबर इसका क्या बोलते हैं यार उसको, गिलास का टाइप का बना है ये लोग। दो होटल है सेम वाले, एक दो यहाँ पे जो भी लो दो लो वाला है भाई, सेम बिल्डिंग दो मिलती है आपको यहाँ पे, हर चीज दो मिलता है वहाँ पे, वो बिल्डिंग तो चार बना के रखते
व्यू देखो शाम के टाइम का, अभी जा रहा हूँ घर। ये पूरा 80 का रोड है, यहाँ पे कैमराज वैमराज रहते हैं। अभी मैं आपको मोबाइल रख के मिलता हूँ घर। पता नहीं आज ड्यूटी सिंगल ही लग रही है मेरी आज ड्यूटी। दोपहर में सुबह एयरपोर्ट गया और दोपहर में इसे गया, क्या बोलते उसको, दारुसलाम मॉल गया, फिर आज शाम में इधर लुसेल सिटी में आया। पता नहीं रात में क्या होता है मेरे को ना, वीडियो जो है कंप्लीट करके फटाफट अपलोड करना है। बहुत दिन हो गया भाई वीडियो नहीं आ रहा है, भाई जो देखने वाले कंप्लीट कर रहे हैं मेरे को, इसीलिए मैं डेली निकाल के ना उसको डियर फरीद कर दिया, क्योंकि मेरे हाथ से डेली ब्लॉग डाले नहीं हो रहा था, इसीलिए सॉरी। जो भी है कमेंट करके बताओ कैसा लगा, ठीक है, तो मिलता हूँ बाद में। देखो भाई मेट्रो जा रही, देखो मेट्रो मेट्रो कतर की मेट्रो, वाह कितनी प्यारी है भाई ये देखो मेट्रो मेट्रो।